नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देहरादून के एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस सहस्त्रधारा के बारे में। जब गर्मियां अपनी चरम पर होती हैं तब यहां पर इतनी भीड़ देखी जा सकती है कि कभी कभी यहां के सारे स्विमिंग पूल फुल हो जाते हैं, जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको देंगे कम्प्लीट डिटेल कि आप यहाँ पर कब जाएँ, कैसे जाएं और क्या है इस जगह की विशेषता। ये जो जगह है सहस्त्रधारा, ये देहरादून शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ जाने के लिए आपको देहरादून से सिटी बस और ऑटो आसानी से मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे कई सारे स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं और इन स्विमिंग पूल्स में जो पानी आता है वो एक प्राकृतिक स्रोत से आता है, यानी कि यहाँ का पानी बहता रहता है और इसलिए यहाँ का पानी काफ़ी फ्रेश भी रहता है। इसके अलावा जो ये पानी है ये गंधक युक्त पानी है, यानी इसमें गंधक की मात्रा होती है और गंधक युक्त पानी में नहाने से जो स्किन के रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये स्थान देहरादून में मौज मस्ती के लिए एक बेस्ट प्लेस है और यहाँ पर नहाने के लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आप कपड़े अपने लॉकर्स में रखना चाहते हैं तो इसका कुछ चार्ज लिया जाता है, इसका चार्ज 20 रुपये लिया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये देहरादून का एक बेहतरीन वाटर पार्क है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ आती है और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे गर्मियों के समय में आती है। जिस समय में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे रिसॉर्ट भी बने हुए हैं, आप यहाँ पे खाना पीना भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ आएँ तो ये फैमिली पर्पज़ के लिए भी ये जगह बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा देहरादून, और देहरादून आप बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं या तो अपनी पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं। इसके बाद देहरादून से 15 किलोमीटर दूर है सहस्त्रधारा, यहाँ के लिए आपको ऑटो और बस बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी वाटर पार्क में घूमना चाहते हैं तो आप एक बार सहस्त्रधारा जरूर आएं। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलिंग की कम्प्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।